हेलो एवरीवन, टुडेज वीडियो इज अबाउट आई एम शिलोंग। ओके, एंड आई एम शिलोंग की जब भी बात आती है ना, दिस इज वन ऑफ दोस। इस आई एम में ना एक अलग बात है। वो बात ये है कि अगर आप टॉप सिक्स आई एम्स की बात करोगे, यानी कि जिसको हम ब्लैकी कहते हैं, अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर, ये जो टॉप सिक्स आई एम्स आते हैं उसके थोड़ा सा ही पीछे अभी शिलोंग है। ओके, शिलोंग एक टाइम था जब शिलोंग को न्यू आई एम्स में बोला जाता था, बट वेरी सून, ओके, आई थिंक दैट इन वन और टू ईयर्स मोर, ओके, शिलोंग इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द टॉप सेवन आई एम्स, यानी कि जो टॉप सिक्स है उसके अंदर एस भी एड हो जाएगा, ब्लैक कीज हो जाएगा, बिकॉज शिलोंग इज डूइंग अमेजिंगली ग्रेट। ओके, गुड। ओके, सो लेट अस सी दैट। आज की वीडियो में हम पूरा सब कुछ समझेंगे, प्लेसमेंट्स के बारे में देखेंगे। प्लेसमेंट रिपोर्ट तो ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे है, तो मैं प्लेसमेंट रिपोर्ट की बात करूंगा, अलग अलग जो प्रोग्राम्स हैं, ओके, इनका जो एडमिशन प्रोसेस है, सबको अच्छे से समझते हैं इन टुडेज वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ। इफ यू सी हियर, दिस इज जस्ट द 13th बैच। ओके, सो 13th बैच है ये आई एम शिलोंग का, एंड 13th बैच में ही अगर हम सीधे सीधे पहले इनके अगर ओवरऑल प्लेसमेंट्स में जाएंगे, तो यू कैन सी द एवरेज प्लेसमेंट इज 23.1 LPA। ओके, सो कई सारे जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं, टॉप 15 कॉलेजेस हैं, उसमें अगर आप देखोगे तो बहुत से कॉलेजेस जिनका 23 से कम है थोड़ा। ओके, जैसे जमनालाल बजाज का 23 से कम है। सो हियर, ओके, डेफिनेटली आई एम शिलोंग इज डूइंग अमेजिंगली ग्रेट। ओके, जिसका एवरेज पैकेज 23.1 लाख पे है, हाईएस्ट 55, ग्रेट। इनफैक्ट अगर आप बैच के टॉप 20 में हो या टॉप 50% में हो, ओके, तो यहाँ पे आपको 26.95 है, ओके, जो कि टॉप 50% ऑफ द बैच का एवरेज पैकेज है। नाउ टॉप 50% में होना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा यहाँ पे। व्हाई? बिकॉज लुक एट द बैच साइज। बैच साइज इज जस्ट 250। ओके, दैट इज आई थिंक वन ऑफ द रीजंस व्हाई द एवरेज पैकेज इज गोइंग सो हाई। ओके, बिकॉज बैच साइज उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया है, जो कि ज्यादातर दूसरे जो ओल्ड आईएम्स हैं उनका हो चुका है। सो ओल्ड आईएम्स यानी कि आप इंदौर ये सब की बात करोगे, उनके जो एवरेज उनका जो नॉर्मल बैच साइज चल रहा है, दैट इज मोर देन 400। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बैच साइज कम है, दैट इज अगेन अ एडवांटेज पॉइंट। ओके, यस, इट इज मोर स्क्यूड टुवर्ड्स लाइक जेंडर रेशियो की बात करेंगे, 75% मेल है, 25% फीमेल है। सो यस, फीमेल्स को नॉर्मली एडवांटेज मिलता है दैट यू नो फॉर लेसर स्कोर, लिटिल लेसर स्कोर देन बॉयज ऑल्सो यू कैन स्टिल क्लियर इट। सो टेक एडवांटेज ऑफ दैट। ओके, एंड इफ यू सी हियर, आई सी वन वेरी गुड पॉइंट। ओके, कि अगर आप वर्क एक्स की बात करते हो, तो वर्क एक्स में 38% आपको दिख रहा है कि फ्रेशर्स हैं। अगर आप उसको कंपेयर करो बाकी जो वर्क एक्स की जो नो वो अलग अलग ब्रैकेट बने हुए हैं, 1 to 15 months, ओके, 16 to 24 months, सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो वो फ्रेशर ही है, यानी कि 40% ऑफ द बैच फ्रेशर जा रहा है, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग, ओके, फॉर ऑल द फ्रेशर्स आउट देयर। ओके, सो दिस इज देयर अबाउट द प्लेसमेंट्स। ओके, अदरवाइज अगर आप सेक्टर वाइज बात करोगे, ओके, लुक एट द कंपनीज दैट आई सी, कंसल्टिंग में आपको बेन आ रही है, वहां पे डेलॉइट आ रही है। ओके, बेन नॉर्मली टॉप सिक्स में जाती थी, तो शिलोंग में जाना शुरू कर दिया है बेन, तो आप समझ जाओ कि बेन शिलोंग जो है वो टॉप सिक्स की जगह टॉप सेवन का लिस्ट बनने वाला आईएम का। ओके, सो दैट इज देयर। ओके, अगर आप डोमेन फाइनेंस की बात करोगे, हियर यू सी क्रिचल इज देयर, डी शो इज देयर, ओके, आई मीन इन सेल्स एंड मार्केटिंग, ओके, अमेज़न इज देयर, ओके, पीटी लाइट इज देयर, सो दीज आर सम गुड कंपनीज दैट आई सी हियर। इनफैक्ट कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन में काफी यहाँ के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, एंड यू सी अमेजॉन है, गूगल है, ओके, नो यू हैव पीडब्ल्यूसी का यहाँ पे दिख रहा है आपको, टाइटन का दिख रहा है, तो कई सारे यहाँ पे टॉप कंपनीज के जो कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे भी स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, नो डाउट, बिकॉज जब वहाँ पे स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी कंपनीज आएंगी प्लेसमेंट्स के लिए वहाँ पे। सो दैट्स ग्रेट। ओके, विद रिगार्ड टू द प्लेसमेंट वाइज द कॉलेज इज डेफिनेटली डूइंग गुड, और शिलोंग एज अ एरिया इटसेल्फ, ओके, एज अ रीजन इटसेल्फ, यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम की बात करूंगा, अगर आप प्रोग्राम में जाओगे, यू कैन सी दीज आर सम 3 or 4 डिफरेंट प्रोग्राम्स। ऑब्वियसली पीजीपी इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम, जिसका अभी प्लेसमेंट डिटेल्स हमने देखा। प्लेसमेंट रिपोर्ट में सिर्फ पीजीपी के बारे में मेंशन है, दैट मींस पीजीपी एक्स वर्किंग एग्जीक्यूटिव वाले जो पीजीपी प्रोग्राम है वहां पे प्लेसमेंट्स की तरफ कोई काम ज्यादा नहीं होता है वहां पे। ओके, सो अगर हम देखेंगे ओवरऑल दिस प्रोग्राम दैट यू हैव, ओके, व्हिच इज द एमबीए फॉर वर्किंग एग्जीक्यूटिव, 2 years का लाइव ऑनलाइन क्लास वाला हिसाब है ये। ओके, सो आप घर से बैठ के अपने जॉब के साथ साथ ये कर सकते हो। ओके, देयर इज सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पे भी आपको कैट देना पड़ता है, ओके, व्हिच इज देयर। सो ये सब नॉर्मली स्टूडेंट्स, ओके, जिनका 3 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है या जो जॉब नहीं छोड़ सकते हैं, ओके, नो फॉर डूइंग देयर एमबीए, उनके लिए ये काम आएगा, जिनको अपने खुद की कंपनी में उनको अपनी ग्रोथ मिल जाएगी, उनको प्रमोशन मिल जाएगा। In fact, there is a separate PGP X also. This is only a 12-month course. Okay, this is for high, as in let's say किसी का 10 साल का experience अगर हो गया, उनको मेरे हिसाब से इसमें जाना चाहिए। But otherwise, अगर मैं overall selection process की बात करूँगा,
विच इज फॉर द पीजीपी, ओके यहाँ पे दिया देखो पीजीपी यानी कि जो 2 साल का जो नॉर्मल कोर्स होता है हम उसकी बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस को लेके। अब यहाँ पे इनका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया बट आई विल मेक इट वेरी सिंपल एंड ईजी फॉर यू। देखो सबसे पहले दिया है शॉर्ट लिस्टिंग फॉर जीडीपीआई, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर जीडीपीआई ये जो फेज दिया है ना यानी कि जो फर्स्ट फेज है कैट देने के बाद जो जीडीपीआई के लिए लोग बुलाते हैं, यहाँ तो उन्होंने आपको दिया है कि भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं है कि ये कोई कट ऑफ है। मिनिमम रिक्वायरमेंट का मतलब ये कि जिसको इससे कमाएगा उसको तो वो लोग कंसीडर भी नहीं करेंगे, सोचेंगे भी नहीं उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे आप देखो क्या बोला इन्होंने, प्लीज नोट दैट द एक्चुअल परसेंटाइल एज मेंशन इन टेबल 1 ऑफ अ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर जीडीपीआई मे बी मच हायर ओके देन द अबव वैल्यू ओके अबव मेंशन्ड नंबर्स ओके अबव मेंशन्ड वैल्यूज। ये क्यों है? क्योंकि ये जब जीडीपीआई की लिस्ट बनाते हैं, जब शॉर्टलिस्ट बनाते हैं तो वो और भी कुछ पैरामीटर्स चेक करते हैं, वो पैरामीटर्स प्लस कैट का स्कोर को करके चेक करके फिर वो आपकी फाइनल लिस्ट बनाएंगे। व्हाट आर दोस पैरामीटर्स ओके लेट अस चेक दैट बिकॉज इन्होंने काफी कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया है। बट इफ आई टेल यू हियर दे आर गोइंग टू सी फर्स्टली भाई नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने कैट दिया उसमें से आपकी एकेडमिक डिसिप्लिन को देखा जा रहा है। यहाँ पे एकेडमिक डिसिप्लिन का मतलब है जैसे आपकी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन को अलग काउंट करेंगे, ह्यूमैनिटीज वालों को अलग काउंट करेंगे, कॉमर्स वालों को अलग काउंट करेंगे, तो जो जैसे बैकग्राउंड से आएगा ओके उस बैकग्राउंड के लोगों को अलग कंसिडर किया जाएगा। सो दैट इज वन थिंग दे विल स्टार्ट कंसिडरिंग यू नो योर एकेडमिक डिसिप्लिन ओके। सो उस हिसाब से लोगों को बाइफर्केट किया जाएगा। अगर आप आगे जाके देखते हो ओके इसमें यह भी देखा जाता है कितने स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर एकेडमिक डिसिप्लिन से जो जिन्होंने कट ऑफ के जिन्होंने जो मिनिमम वैल्यू वाला जो फिगर दिया था ऊपर कितने बच्चे जैसे फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स है तो कितने इंजीनियर्स ने आई एम शिलोंग अप्लाई किया है और उन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो भी क्लियर कर लिया है तो कितने ऐसे बच्चे हैं उनके पास ओके। तो वो एक नंबर निकाला जाएगा और उसको भी वो लोग फर्दर देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कैटेगरी यानी कि समझो इंजीनियरिंग EWS की अलग लिस्ट चलेगी, इंजीनियरिंग ओपन कैटेगरी वालों की अलग लिस्ट चलेगी, इंजीनियरिंग SC कैटेगरी वालों की अलग लिस्ट चलेगी ओके। सिमिलरली फॉर ऑल द बैकग्राउंड फॉर ऑल द एकेडमिक डिसिप्लिन ओके प्लस योर कैटेगरी, ये दोनों चीज को कंसिडर किया जाएगा ओके। सो जब ये दोनों चीज को कंसिडर किया जाएगा अगेन इसके अंदर आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द आइथ एकेडमिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ EWS यानी कि जैसे मैंने कहा एकेडमिक डिसिप्लिन को और आपकी EWS जो भी आपकी कैटेगरी होगी उस कैटेगरी को कंसीडर किया जाएगा और उसके बेसिस पे जाके फाइनली ये आपको जो शॉर्टलिस्ट क्रिएट करेंगे वो क्रिएट करेंगे इसके बेसिस पे। नाउ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर GDPI ओके यस। सो यहाँ तक उन्होंने कैंडिडेट जो कि जो 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 ये तीन कैटेगरी यानी कि कैट का स्कोर, आपकी एकेडमिक डिसिप्लिन ओके एंड देन योर कैटेगरी, ये तीन चीज को लेके वहां पे लोग देखेंगे। अब आगे देखेंगे मेरिट लिस्ट फॉर ऑफरिंग फाइनल एडमिशन। अब फाइनल एडमिशन को लेके इन्होंने यहाँ पे दिया है कि भाई ये लोग देखने वाले हैं स्कोर बेस्ड इन एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी कि फाइनल एडमिशन के टाइम पे ये एकेडमिक परफॉर्मेंस देखेंगे, आपके 10th के 12th के ग्रेजुएशन के स्कोर्स को देखने वाले हैं, आपका स्कोर इन PI देखेंगे ओके एंड ओवरऑल कैट एब्सोल्यूट स्कोर, कैट का स्कोर देखा जाएगा वहां पे कितना है। अब यहाँ पे इन्होंने वेटेज भी दिया है, लेट्स सी द वेटेज। अगर आप कट ऑफ देखोगे फॉर परफॉर्मेंस ऑफ यू नो कैंडिडेट इन GDPI यहाँ पे दिखा है कि भाई नॉर्मली इन्होंने 20% ओके अलग अलग कैटेगरी वालों को अलग दिया है बट जैसे हम यहाँ पे देखेंगे ये 20% आपको यहाँ दिख रहा है, 20% आपको यहाँ पे दिख रहा है ओके। फॉर EWS इट इज 30% 30% हियर। सो रफली मुझे दिख रहा है कि 40-60% ओके का रेंज जा रहा है फॉर दैट दे आर गिविंग फॉर GDPI इटसेल्फ ओके यानी कि जो फाइनल लिस्ट आएगी उसके लिए आपका GDPI को 40-60% तक का वेटेज दिया जा रहा है ओके। लेट्स सी दैट कंप्यूटेशन ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब आपकी पूरे 10 12 ग्रेजुएशन सबको मिला के साथ में अगर आप देखोगे सो देन मैक्सिमम इज 10 यानी कि 10% से ज्यादा का वेटेज नहीं है। तो ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस में आपके एकेडमिक का 10, 12 ग्रेजुएशन का सब मिला जुला के 10% का ही वेटेज है, उसमें भी अगर आप मोर देन 80% हो, अगर समझो किसी का 81 है और किसी का 93 है तो भाई आप दोनों सेम लेवल पे हो, दोनों को 10/10 ही मिलने वाला है, कोई आपको 93 लाने का कोई खास एडवांटेज नहीं मिल रहा है इन केस ऑफ आई एम शिलोंग जब आप कंपेयर करते हो विद अदर कैंडिडेट्स हु आर मोर देन 80%। So this is there, okay. And if you go ahead, okay. Now, इन दोनों बेसिस के बाद आपका जो कैट का स्कोर होगा वो लिया जाएगा, यानी कि कैट का वेटेज यहाँ पे टुवर्ड्स द एंड, ओके, आपकी GDPI को काफी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ओके, आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को सिर्फ 10% दी जा रही है और जो बचा हुआ जो भी आपके 30% 40% होगा वो जा रहा है कैट को, ओके। सो यहाँ पे एक चीज ये क्लियर समझ में आ रही है कि GDPI इज गिवन मोर वेटेज फॉर द फाइनल एडमिशन ओके, फॉर द फाइनल एडमिशन ओके GDPI इज गिवन मोर वेटेज ओके। सो डेफिनेटली ओके गाइज फर्स्ट लेवल आपको क्लियर करने के लिए आपको कैट तो क्लियर करना पड़ेगा और यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि भाई कैट क्लियर करने के लिए हमें डेफिनेटली जितना ज्यादा हम कैट का स्कोर लेके आएंगे उतना अच्छा है क्योंकि इन्होंने क्लियर कह दिया कि ये कैट के बाद आपकी बाकी परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे।
बाकी परफॉर्मेंस का मतलब कि एकेडमिक डिसिप्लिन को चेक करेंगे और आपकी कैटेगरी चेक करेंगे। अगर उसमें समझो कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है शिलांग में, उसमें आपकी कैट की परफॉर्मेंस बहुत पुअर आ रही है, तो वो ऑब्वियसली आपको कॉल नहीं देंगे और स्टार्टिंग के लोगों को कॉल दिया जाएगा। ओके, सो दीज आर थिंग्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर रिगार्ड नो विद रिगार्ड्स टू आई एम शिलांग, सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट गाइज। ओके, दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल। ओके, यू नो वी हैव जस्ट सीन ओके द एंटायर लिस्ट ऑफ कंपनीज ओके कमिंग ऑन कैंपस। ओके, सच काइंड ऑफ growth that you get in I am Shillong, definitely this is a college okay which is in the dream list of a lot of CAT aspirants. So know about the colleges, follow this series of videos okay so that you are more updated about more and more colleges that will be posting here okay, and stay glued to your CAT preparation. All the best.